फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं हैरिस जंक्शन। टुडे वी विल टॉक अबाउट 1000 व्यूज का कितना डॉलर मिलता है। जैसे कि मैंने बहुत से वीडियोस देखे जिनके लिंक सर्च किया यूट्यूब पे, और उसके रिगार्डिंग बहुत सारे रिसर्च करने के बाद मुझे ये क्वेश्चन काफी लोगों से मिला। हालांकि मेरे पास तो इतने कमेंट्स नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, दूसरे लोगों के बड़े चैनल्स पे जाता हूँ, वहाँ के कमेंट्स पढ़ता हूँ, जिसमें बहुत लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा है कि 1000 व्यूज पे क्या $1 मिलता है। लेकिन ये टोटली आपके व्यूज पे नहीं, ये उसके व्यूज पे आने वाले एड पे डिपेंड करता है। जैसे कि अब हम सोचेंगे कि 1000 व्यूज हमारे एक वीडियो पे मिलता है, अगर उस वीडियो पे अगर 100 बार एड चलता है, मतलब आपको पहले मैं ये बता दूं कि जो पैसा मिलता है यानी कि रेवेन्यू मिलता है यूट्यूब का, वो व्यूज का नहीं, वो व्यूज पे एड चलने का मिलता है। मतलब जब भी आप कोई एक यूट्यूब का वीडियो देखते हैं और उस वीडियो पे जो एड आता है, वो एड पे क्लिक करने का या वो एड को पूरा सीन करने का पैसा मिलता है। तो मान लीजिए क्वेश्चन है कि 1000 व्यूज पे कितने डॉलर मिलते हैं। ये तो टोटली डिपेंड करेगा कि आपका ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है। मान लीजिए यूएस से आ रहा है तो वहां का सीपीसी ज्यादा है, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि वो जो वीडियो पे एड चलता है उस पे एड पे क्लिक करने का या वो एड पूरा देखने का पैसा मिलता है। हमारे इंडिया का यहाँ का जो रेट है, वो सीपीसी का कॉस्ट पर क्लिक का रेट है, वो $0.01 है, और बढ़ेगा भी तो $0.02 या तो $0.03 इतना होता है। अगर उसको हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो वो बनता है लगभग, मान लीजिए राउंड फिगर 50 पैसा। तो ऐसे अब अगर आपके 1000 व्यू में से 100 व्यू पे अगर एड चला है और उस पे एड पे क्लिक हुआ है, तो 100 के हिसाब से 50 पैसे से आपको ₹50 मिलेगा। ₹50 लगभग $1 तो है, अगर इंडिया से ट्रैफिक आ रही है तो। और आपकी पूरी की पूरी ट्रैफिक अगर डेवलप कंट्री से आ रही है, मान लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, कुवैत, ये जो जहाँ की करेंसी बहुत ज्यादा है, उस देश से अगर आपकी ट्रैफिक आ रही है, तो उस समय आपका सीपीसी ज्यादा रहेगा। वहां का सीपीसी जो है वो $0.10 रहेगा। मान लीजिए अभी हमारे इंडिया में $1 की कीमत ₹67 है, तो 6.70 रुपीज, यानी कि ₹6.70 हमको एक क्लिक का मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर हमारे 100 ऐड चले हैं, तो वो 100 ऐड के लिए हमको करीब करीब ₹600 मिल सकते हैं इंडियन करेंसी में, तो $10 हम लगभग कह सकते हैं। तो हम डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि 1000 व्यूज पे हमको $1 ही मिलेगा या तो $10 मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। अगर आपका हिंदी वीडियो है, इंडिया से आ रही है, तो $1 भी मिल सकता है, या उससे ज्यादा भी मिलेगा या कम भी मिलेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के वीडियो बना रहे हो, आपका कंटेंट क्या है, वो कहाँ से देखा जा रहा है। अगर मान लीजिए कि एजुकेशन के वीडियो है तो स्टूडेंट्स देखेंगे, इंग्लिश में बनाया गया है तो वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज चलती है इंग्लिश चलेगी, और हिंदी में बनाया गया है तो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये जो मतलब हिंदी रिलेटेड कंट्रीज है वहां पे देखा जाएगा। और उधर ये आपका सीपीसी जितना मिलेगा, उस देश के लिए सीपीसी कितना है, वो आपके यूट्यूब में आप देखिएगा, एडसेंस में जाके हर कंट्री के लिए अलग सीपीसी डिफाइन किया गया है, और उस सीपीसी के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। तो हम डायरेक्टली तो ऐसा नहीं बोल सकते कि 1000 व्यू पे हमको $1 ही मिलेगा या तो फिर उससे ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, वो हम फिक्स नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग आपको $1 से ज्यादा ही मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।